पुलवामा हमले की असल जिम्मेदार खुद मोदी और बीजेपी सरकार। इलेक्शन जीतने के लिए घिनौना खेल, फिल्मी स्क्रिप्ट और हकीकी जिंदगी में नाफेज। जी हाँ, पहले आप सुनिए साफिद फौजी अफसर का बेटा इस वीडियो कॉल में भारतीय आवाम सरकार और मुद्दत से मीडिया को किस प्रकार चैलेंज कर रहा है, किस तरह इसने बीजेपी को गद्दार करार देकर एक ऑडियो लीक की जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और एक खातून कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों में दम नहीं है, इस तरह की आवाम आप लोग बन चुके हो आज की तारीख। देश की मीडिया को आज मैं झूठा साबित कर दूंगा, अगर मैं इसको पहले रिलीज कर देता तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस घर नहीं आ सकते थे। तीन लोगों की आवाज है, दो की आप आवाज पहचानते हैं और एक महिला है। जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी आज, नहीं तो तुम ही सबसे बड़े गद्दार हो। अब सुनते हैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो को जिसमें जर्टी पॉलिटिक्स के मंसूबे पर अमल दरामद पर गौर हो रहा है। इलेक्शन से पहले जंग कराने के लिए अवाम को गुमराह कर दिया जाए, भारतीय फौजियों को मारने के लिए सौदा तय पाया, उरी हमले का भी इनके साथ हुआ, फरवरी के दूसरे हफ्ते में धमाके का वादा भी हुआ। ये युद्ध कराने की जरूरत है, देश के जवानों को शहीद करवाना, उरी किया था कुछ भी नहीं, अभी चुनाव है, देश की सुरक्षा को लेकर हम बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंग का कोई इंतजाम था जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा, बम ब्लास्ट करवाना है बम ब्लास्ट करवा देंगे, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर का माहौल क्या होगा, आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा, और कोई रास्ते नहीं होते। ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे, अब आप लोग ही दुश्मन बने होंगे सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, तो हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक। आमन की बात और हकीकत सामने लाने वाले जन साथियों ने हुकूमत से ये सवाल भी किया, पुलवामा में मरने वाले फौजियों ने जब हाथ जोड़कर भीख मांगी थी तो आपने उन्हें हवाई जहाज से दूसरी जगह मुंतकिल क्यों नहीं किया? डिस्कवरी चैनल पर फिल्म बनाने में क्यों मशहूर रहे?